दोस्तों, आप सभी के आसपास ऐसे कई बातें सुनने को मिली होंगी कि आपको अगर कलेक्टर बनना है, डीएम बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो समझ लीजिए कि आप अपने अकाउंट में 10-12 लाख रुपए लेकर चलिए। तो चलिए आज के इस वीडियो में रियलिटी बताती हूँ कि आखिर रियलिटी क्या है। दोस्तों, रियलिटी ये है कि कई सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती या फिर आधी अधूरी जानकारी होती है, और वही आधी अधूरी जानकारी काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स तक पहुँचाई जाती है। इसीलिए आपको यह बात सुनने को मिलती है कि 10-12 लाख रुपए अकाउंट में लेकर चलो, तभी आईएएस ऑफिसर बनने के बारे में सोचो, कलेक्टर बनने के बारे में सोचो, वरना सोचो ही नहीं। इन्हीं लोगों की वजह से ऐसे कई सारे एस्पिरेंट्स हैं जो हार मानकर बैठ जाते हैं, और उनके लिए लगता है कि हम मीडियम फैमिली या गरीब फैमिली वालों के लिए तो आईएएस या कलेक्टर बनना लिखा ही नहीं है। दोस्तों, आपको सीरियल से सारी चीज़ें बताती हूँ कि कब 10-12 लाख रुपए अकाउंट में लेकर चलना होता है, कब 5-6 लाख रुपए अकाउंट में लेकर चलना होता है, और कब केवल 20-30 हजार में ही सारा काम हो जाता है। सिचुएशन नंबर 1, जिसमें आपको 10-12 लाख रुपए लेकर के चलना होता है। दोस्तों, अगर आप जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, तो जाहिर सी आपके पास 6 और 9 अटेम्प्ट हैं, और 9 अटेम्प्ट तक अगर आप दिल्ली जैसे एरिया में रहते हैं, वहां पर कोचिंग करते हैं, तो वहां का खर्चा क्या आता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो जब दिल्ली में आप कोचिंग लेंगे, तो समझ लीजिए कि आप लगभग 2 लाख रुपए लेकर के चलें केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट को पैसा देने के लिए। दोस्तों, आप कोचिंग ज्वाइन किए हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर रहेंगे भी और खाएंगे भी। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर मैं 10,000 रुपए के हिसाब से आपको बताऊँ, 10,000 रुपए के हिसाब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में अगर आप रूम लेकर के रहते हैं तो उसका रेट अलग होता है, और इसमें भी चेंजेस होते रहते हैं। अगर आप हॉस्टल में रहते हैं या पीजी में रहते हैं तो इसका भी रेट अलग अलग होता है। इसी वजह से आपको मैं बीच का रेट बता रही हूँ। अब मान लीजिए कि 10,000 रुपए के हिसाब से एक साल तक रहते हैं, तो आपको 1,20,000 रुपए लेके चलना होगा। और इसी तरीके से अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट पर एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं और लास्ट के 9 अटैम्प्ट तक रहते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना रुपए लगेगा। आप खुद हिसाब लगा लीजिए। अब मैं बात करती हूँ सिचुएशन नंबर 2 की। दोस्तों, जैसा कि आपको बताई हूँ कि अगर आप दिल्ली जैसे एरिया में जाकर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, तो आपको 2 लाख रुपए तो लेकर के ही चलना है। आप बात करते हैं रहने सहने के लिए, वहाँ पर खान पान के लिए किस तरीके से आप इंतजाम करेंगे, जिसके वजह से आप 2-4 साल रहें भी और आपका पैसा कम भी लगे। दोस्तों, दिल्ली में रहने की व्यवस्था 2 तरीके से है। एक, आप सिंगल रहो और उसके बाद 2 या 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग के साथ मिलकर के जैसा भी रहना चाहते हैं रह सकते हैं। सबसे पहले कि अगर आप सिंगल रहते हैं तो आपको ज़्यादा खर्च करना होगा, लेकिन अगर आप मिलकर के ग्रुप में रहते हैं तो आपका खर्चा कम हो जाता है। दिल्ली के रूम की खास बात यह है कि अगर वहाँ पर स्टूडेंट रह रहे हैं या कोई भी रह रहा है, तो वहाँ पर रूम का जो रेंट है वो डिसाइड होता है। अब उसमें आप 4, 5, 10 लोग कितने लोग रहते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं होता है। बस आप कितने लोग उस रूम में रह रहे हो, इसका इन्फॉर्मेशन देना होता है। इसी वजह से आपका बजट यहाँ पर बन सकता है। अगर आप एक रूम में 5 लोग मिलकर के रहते हैं, तो 10,000 का रूम आपको केवल 2,000 रुपए में पड़ेगा। अब मैं बात करती हूँ यहाँ के खान पान को लेकर के। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि पीजी और हॉस्टल तो वैसा भी महंगा है अगर आप सिंगल लेते हैं, तो अगर आप मेस वाला भी ले लेते हैं तो और भी महंगा पड़ेगा। साथ में आपको ये भी बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मेस का खाना आपको पसंद आए, और उसके साथ ही आपके पसंद का ही हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। वो लोग अपने हिसाब से बनाते हैं और आपको उन्हीं के हिसाब से खाना खाना होता है। अब मान लीजिए कि आप टिफ़िन मंगाते हैं, तो आपको बताना चाहूँगी कि टिफ़िन का भी पैसा आपको लगभग 3,000 से 4,000 रुपए लेकर के चलना होगा, और इन्हीं 3-4 हज़ार रुपए में आपको केवल टिफ़िन के लिए खर्च करना होता है। उसमें खाना पीना अच्छा आएगा नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। आज अच्छा आया तो कल नहीं आएगा, ऐसा होता है, और पेट भर के खाना का कोई भरोसा नहीं होता है। लेकिन अगर आप खुद से खाना पीना बनाते हैं, तो आपका 3,000 से 4,000 रुपए में खाना पीना भी हो जाएगा और आपकी अपनी ज़रूरतें भी पूरी हो जाएंगी। इससे आपका बजट लगभग 4,000 रुपए तक ही रहेगा, और इससे 2-4 चीज़ें फ़ायदेमंद भी होती हैं। सबसे पहले आपके बजट के अंदर की सारी चीज़ें होती हैं, दूसरा शुद्ध खाना होता है जो कि आप अपने हाथों से बनाए होते हो, आप अपनी पसंद का बनाए होते हो, आपके बजट के अंदर का होता है, और साथ ही टिफ़िन और मेस के खाना से कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है, जिसमें स्वाद होता है और आपकी हेल्थ पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। अब हम बात करते हैं सिचुएशन नंबर 3 की कि कब आपको लगभग 20-30 हज़ार रुपए लेकर के ही चलना है। दोस्तों, अगर आप घर में रह कर के पढ़ाई करते हैं बिना कोचिंग ज्वाइन किए हुए,
तब आपको 20,000 से 30,000 रुपए ही लगेंगे। वो कैसे, चलिए आपको इस बारे में बताती हूँ। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये 20-30 हज़ार रुपए जो मैं बताई हूँ वो मैक्सिमम रेट बताई हुई हूँ, जिससे आप इतना पैसा लेकर के चलेंगे तो आराम से आपका खर्चा चल जाएगा। सबसे पहले यूपीएससी सीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए आपको सोर्स लेने होंगे, जैसे कि बुक है, कॉपी है, पेन है। तो ये सारे सोर्स जब आप खरीदेंगे तो इसमें आपका लगभग कम से कम 10,000 रुपए लगेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये 10,000 में भी पैसे बचा भी सकते हैं और आप पूरे से पूरे 10,000 रुपए लगा भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें सिचुएशन पर डिपेंड करती हैं। अगर आप शहर के आसपास रहते हैं तो जाहिर सी बात है शहर जाकर के आप सभी बुक नोट्स ला सकते हैं और ऐसे में आपको कम खर्च करना पड़ेगा। अब इसके बाद कई सारे लोग गाँव से होते हैं और गाँव में रह करके ही पढ़ाई करते हैं, वहीं उनकी सारी व्यवस्था होती है, पर वो बुक और नोट्स खरीदना चाहते हैं तो उनको शहर आना होता है, लेकिन शहर के लिए उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी होती है, इसी वजह से वो ऑनलाइन मंगाते हैं। ऑनलाइन अगर आने की व्यवस्था होती है तो ऐसे टाइम पर थोड़ा पैसा उनको ज़्यादा लगाना होता है। अब जब आप बुक या नोट्स खरीद लेते हैं, दोनों खरीद लेते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि आपको करेंट अफेयर भी डेली पढ़ना होता है। करेंट अफेयर के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, फिर मंथली मैगजीन भी लेनी होती है, इसमें भी पैसा लगता है। अब आपको डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना होगा। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए यूँ समझ लीजिए कि आपका डेली का 7 से 10 रुपए जाना ही जाना है। ये बीच का इसलिए बता रही हूँ कि हर न्यूज़पेपर का रेट अलग अलग है। अब आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और उसका रेट क्या है ये तो मैं नहीं बता सकती हूँ, इसलिए आप अपने हिसाब से काउंट कर सकते हैं। अब इसका दूसरा उपाय भी है, अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, अगर आपके पास नेट है, तो आपको क्या करना है कि कोई भी न्यूज़पेपर वाला जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। आपको बताना चाहूँगी कि कुछ न्यूज़पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे तो कुछ न्यूज़पेपर के आपको पैसे देने होते हैं। अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हैं तो उस ऐप को डाउनलोड करें। अगर आप पैसे देकर पढ़ना चाहते हैं, कोई अच्छी न्यूज़पेपर लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कम से कम 150 रुपये तो लगाने ही होंगे। अब इसके बाद बात करते हैं मंथली मैगजीन के बारे में। दोस्तों आपको बता दूं कि आपको मंथली मैगजीन तो लेना ही होगा, और साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि आपको ऐसे वैसे किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नहीं लेना है। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट फेमस है वो कोचिंग इंस्टीट्यूट का लें, जो टॉपर्स बताते हैं वो, इस वजह से कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो पता नहीं कि कौन सा छोटा मोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट का ले लेंगे और वो विश्वसनीय है कि नहीं, इसकी गारंटी तो मैं नहीं दे सकती हूँ। टॉपर्स की बात मैं इसलिए बताई हुई हूँ क्योंकि वो लोग ह्यूज किए होते हैं तो आप उस पर विश्वास कर सकते हैं, और अपनी क्वालिटी की वजह से ही ये कोचिंग इंस्टीट्यूट फेमस हुए होते हैं, तो इस वजह से आप इनकी मैगजीन लें। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मैगजीन लेंगे तो आपको कम से कम 60 से 100 रुपए तो लगेंगे ही लगेंगे। आप मंथली 60 से 100 रुपए लेकर के चले केवल मैगजीन के लिए। इसके साथ ही आपको ये भी बताना चाहूंगी कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम मैगजीन छोड़ दें तो क्या होगा, दोस्तों आप मैगजीन बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हो। जैसा कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत जरूरी है, वैसे ही करंट अफेयर के लिए मंथली मैगजीन की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि आप इसे खुद से नहीं बना सकते हैं, आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। मैगजीन बनाने का एक्सपीरियंस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास होता है, वो काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस वालों को चुनते हैं, फिर वो लोग मैगजीन तैयार करते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाते हैं जो कि यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट होता है, तो आप खुद से तो तैयार नहीं कर पाएंगे और इतना समय भी आपके पास नहीं होता है। इसी वजह से आपको मैगजीन तो लेना ही होगा। अगर आप करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं और डिटेल में तैयारी करना चाहते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट हो, तो आपको मैगजीन तो लेना ही होगा। अब मैं बात करती हूँ NCERT बुक के बारे में कि क्या आपको NCERT बुक खरीदना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको केवल कुछ पैसे लगाने हैं, वो भी अपने मोबाइल पर इंटरनेट डलवा करके। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपका न्यूज़पेपर वाला काम, आपका NCERT वाला काम आसानी से हो जाएगा, और वो भी कम से कम 150-200 रुपए में। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और NCERT ऐप डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें देखना कि आपको पहली से लेकर के 12th तक की सभी बुक्स मिलेंगे। आपको जो बुक जैसा पढ़ना है सभी बुक आपको मिलेंगे। उसमें कई सारे ऐप ऐसे भी हैं जो सॉल्यूशन भी देते हैं, आप वो भी देख सकते हैं। इस तरीके से आपकी जो परेशानी थी कि NCERT बुक कहाँ से मिलेंगे, हमें कितने रुपए लगाने होंगे, कैसे मिलेंगे, ये सारी परेशानियाँ यहीं से खत्म हो जाएंगी। अब इसके बाद मैं बता दूँ CSET की तैयारी के लिए।
दोस्तों, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सीसेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले यूट्यूब पर कई सारे चैनल ऐसे हैं जो सीसेट की तैयारी करवाते हैं, तो आप टॉपिक वाइज सभी के वीडियो देखें और उससे डेली पढ़ें। अगर आप 1 घंटा डेली देते हैं तो आपके सीसेट की तैयारी तो यहीं से हो जाएगी। अब इसके बाद दूसरा आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है और उसमें सीसेट वाला जो पेपर है वो देखना है। इसके साथ ही आपको आंसर की भी डाउनलोड करना है और उसके बाद आपको उनको सॉल्व करना है और आंसर को मिलाना है। इससे आपकी दो चीज़ें होंगी, आपको पैटर्न पता चलेगा कि किस तरीके से UPSC क्वेश्चन पूछता है। इसके साथ ही दूसरा ये भी कि उसमें जो पैसेज दिए हुए हैं उनकी क्या थिंकिंग होती है, वो किस तरीके से क्वेश्चन और पैसेज के बारे में बताते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, किस तरीके से आपको आंसर करना होता है, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको इसी माध्यम से हो पाएगी। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि 20,000 से 30,000 रुपये जो लगे हुए हैं उनमें से 10,000 रुपये जो आप नोट्स खरीदने में लगाए हैं, बुक खरीदने में लगाए हैं, पेन खरीदने में लगाए हैं, तो इनमें बुक और नोट्स के लिए तो आप एक ही बार यूज करेंगे पैसे, बार बार तो यूज करना नहीं है। बहुत ही रेयर ऑफ चांस है कि आपको कोई नोट्स लेना पड़ जाए। अब इसके बाद पेन है जिसका हिसाब इंसान नहीं जोड़ता है। बाकी बचे हुए पैसे आपको मैगजीन खरीदने के लिए, न्यूज़पेपर के लिए और साथ ही एंड्रॉयड मोबाइल को रिचार्ज करने के लिए ताकि आप नेट यूज कर सके, इसमें लगाना होगा। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लगभग सभी जानकारी मैं आपको दे दी हूँ। फिर भी कोई भी जानकारी अगर छूटी हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।